रूपांतरण। एक दिहाड़े यीशु अपने तीन चेले पतरस, याकूब होर यहूना जो अपने सौगी ले गया। ये यहूना नवा रा चेला सही माणू नहीं आ जिन यीशु जो बपतिस्मा दित्या था। स्यों प्रार्थना करने रे कठे एक ऊंचे पहाड़ा पर गए। जेबे यीशु प्रार्थना करया करा था ता तीसरा चेहरा सूरजा साई चमकदार हुई गया। धरती पर कोई भी इतने चिट्टे कपड़े नहीं करी सकदा जितने चिट्टे तीसरे कपड़े प्रेसे साई चिट्टे हुई गए। तेबे मूसा होर एलिया नबी प्रकट हुए। ये आदमी ऐसा धरती पर इस टेमा ले कई सौ साल पहले रहा कराए थे। तिने यीशु कने तीसरी मौता रे बारे मंज गल्ला कीती क्योंकि से जल्दी यरूशलेम सहरा मंज मरने वाला था। जेबे मूसा होर एलिया यीशु कने गल्ला करया कराए थे तेबे पत्र से यीशु कने बोलिया, आसा रे कठे एथी हुणा खरा आसा तीन मंडप बनाने होर, तेरे कठे एक मूसा रे कठे होर एक एलिया रे कठे। पर पतरस नी जानदा था कि से क्या बोलिया करा। जेबे पतरस गल्ला करया करा था ता एक चमकदार बादल हेठ आई कने तिना पर छाई गया। फेरी तिने बादला मंजा ले एक आवाज आउंदी सुनी। तिने बोलिया, हे मेरे मठा आ जिस कने हाँ प्यार करा हाँ तिस कने खुश आ। तीसरी सुना क्योंकि तीनों चेले डरी गए होर जमीना पर लेटी गए। तेबे यीशु स्यों छुए होर बोलिया, डरा मत उठा। जेबे तिने चौं पासे देखा ता तेथी सिर्फ यीशु था। यीशु होर स्यों तीनों चेले तिस पहाड़ा ले वापस हेठ उतरिया कराए थे। तेबे यीशुए तिना कने बोलिया, एबे जो इथी होया ते तरी गल्ला देखे किसी कने दस दे, मां जल्दी ही मरी जाना होर दोबारा जीवंदे हुई जाना, तेतले बाद तुसे लोका जो ये दसी सकाए। मत्ती अध्याय 17:1-9, मरकुस 9:2-8, लूका 9:28-36 ले एक बाइबलारी कहानी।